बिस्मिल्लाम्स अल्लाम वेलकम बैक आज इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ़ द बैक्टीरिया को देखेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ़ द बैक्टीरिया के साथ साइज़ ऑफ द बैक्टीरिया को देखेंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ़ द बैक्टीरिया को देखते हैं तो इसके कुछ ऑर्गेनलीज या पार्ट्स ऐसे हैं जो तकरीबन तमाम टाइप्स ऑफ ता द बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो तमाम टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म है राइबोसोम एंड क्रोमेटिन बॉडीज़ हैं यानी तो ऑल द बैक्टीरियल सेल्स हैं तमाम बैक्टीरियल सेल्स हैं वो जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया के मर्जी हों उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है राइबोसोम भी प्रेजेंट है और क्रोमेटिन बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं लेकिन अगर आ, हम बात करें सेल वॉल की सेल वॉल क्या है वो पार्ट है बैक्टीरिया का जो मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है लेकिन सम टाइम्स कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती और कुछ ऑर्गेनिज कुछ पार्ट्स कुछ स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया के अंदर ऐसे हैं जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ द बैक्टीरिया में होते हैं हर एक बैक्टीरिया में नहीं होते उन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरिया जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया में होते हैं उनमें है कैप्सूल कैप्सूल चंद टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया में होता है सब में नहीं होता इसी तरह स्लाइम है फ्लेजेला है पिल्ला है फिम्बरी एंड ग्रेन्यूल्स ये वो स्ट्रक्चर हैं जो टाइप्स या स्पेसिफिक बैक्टीरिया में होते हैं तमाम बैक्टीरिया में नहीं होते और ये जो सेल मेम्ब्रेन था साइटोप्लाजम था राइबोसोम था और क्रोमैटन बॉडीज थी ये वो स्ट्रक्चर थे जो तमाम टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया में थे जो सेल वॉल है ये तकरीबन मेजोटी ऑफ द बैक्टीरिया में होती है लेकिन वेरी फ्यू नंबर टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया आर देर जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं जो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया में होते हैं उन स्पेसिफिक बैक्टीरिया के टाइप्स हैं या वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया में होते हैं उनमें कैप्स्यूल है स्लाइम है फ्लेजैला है पिल्लाया है फिमरी एंड ग्रेन्यूल्स इसके बाद हम चलते हैं साइज ऑफ़ द बैक्टीरिया की तरफ जब हम साइज ऑफ द बैक्टीरिया की बात करते हैं बैक्टीरिया का साइज क्या है वेरिएबल है वेरिएबल कैसे होता है कि बैक्टीरिया का जो साइज है रेंज इन साइज फ्रॉम अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर टू 600 माइक्रोमीटर यानी अगर हम बैक्टीरिया का साइज़ देखें तो बैक्टीरिया का साइज़ तकरीबन पॉइंट वन माइक्रोमीटर से ले कर सिक्स हंड्रेड माइक्रो तक सिंगल डायमेंशन में सिंगल डायमेंशन से क्या मुराद है उसकी लेंथ में वर्थ में वाइड में लॉन्ग में यानी किसी एक सिंगल डायमेंशन में जो बैक्टीरिया का साइज़ है वो तकरीबन जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर से ले कर सिक्स हंड्रेड माइक्रो तक हो सकता है और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की <coughs> अगर बात करें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की उसका जो साइज़ है वो 100 से 200 नैनोमीटर तक इन डाया होता है ओवरऑल जब बात की साइज़ ऑफ बैक्टीरिया का तो साइज़ ऑफ बैक्टीरिया 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक एक सिंगल डायमेंशन में वो लेंथ हो सकती है वो विथ्थ हो सकती है वो लॉन्ग हो सकती है वो वाइड हो सकती है यानी सिंगल डायमेंशन में जो बैक्टीरिया की लेंथ है या बैक्टीरिया की सिंगल डायमेंशन में जो साइज़ है वो पॉइंट वन माइक्रोमीटर से सिक्स हंड्रेड माइक्रोमीटर तक होता है जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज है वन हंड्रेड से टू हंड्रेड नैनोमीटर तक इन डायामीटर और ये साइज तकरीबन किसका है जो लार्जेस्ट वायरस है लार्जेस्ट वायरस कौन सा है पोग्स वायरस यानी जो साइज लार्जेस्ट वायरस का है तकरीबन उतना ही साइज़ है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज ऑफ द लार्जेस्ट वायरस और जो साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया तकरीबन एक जितने हैं साइज ऑफ द लार्जेस्ट वायरस या लार्जेस्ट वायरस की एग्जाम्पल है हमारे पास पॉक्स वायरस

और अगर हम बात करें लार्जेस्ट बैक्टीरियाज में तो एक ह्यूज बैक्टीरियम कौन सा एपियोलोपिस्कियम इपियोलोपीशियम इपोलोपिशियम फिशल सोनी इपोलोपिशियम फिशल सोनी एक ह्यूज बैक्टीरियम है कौन सा इपियोलो पीशियम फिशल सोनी इसका साइज कितना है 600 माइक्रोमीटर बाय 80 माइक्रोमीटर यानी इसकी डायमेंशन क्या हैं जो ह्यूज बैक्टीरियम है जो सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरियम है इसका साइज़ तकरीबन है 600 माइक्रोमीटर से लेके 80 माइक्रोमीटर तक जब इसका साइज़ हम देखें जो लार्जेस्ट या ह्यूज बैक्टीरियम है इसका साइज तकरीबन एक सिंगल यू सेल के बराबर है यानी कि जब बैक्टीरिया के साइज़ की बात की स्मॉलेस्ट इतना हो सकता है कि जो लार्जेस्ट वायरस उसके जाके साइज़ के बराबर है और अगर लार्जेस्ट में अगर बैक्टीरिया की बात करें तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया का साइज़ तकरीबन यू के रियोटिक्मार सेल के बराबर होता है और एक जो हमारे पास प्रिंटेड हाइफन है प्रिंटेड हाइफन से क्या मुराद है हाइफन पंक्चुएशन में यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में जो हाइफन मार्क है दो सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए उनके दरमियान गैप लाने के लिए साइलेंस लाने के लिए हाइफन यूज होता है और वो जो पंक्चुएशन मार्क हाइफन है अगर उसके अंदर हम उसका साइज देखें उस पंक्चुएशन हाइफन पंक्शन मार्क हाइफन है उस प्रिंटेड हाइफन जो है उसका साइज और जो ह्यूज बैक्टेरियम है उसका साइज तकरीबन बराबर होता है यानी ह्यूज बैक्टेरियम कौन सा फिशल सोनी इसका जो साइज है सिक्स हंड्रेड माइक्रोमीटर बाय है एटी माइक्रोमीटर यह तकरीबन बराबर होता है किसके प्रिंटेड हाइफन के हाइफन क्या चीज़ है पंक्चुएशन मार्क है और ये जो ह्यूज बैक्टेरियम में प्योलोपिशियम फिशल्स होनी ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है ये प्रेजेंट होता है इंटस्टाइन ऑफ द ब्राउन सर्जन फिश ये इंटस्टाइन ऑफ द ब्राउन सर्जन फिश या उसका साइंटिफिक नेम क्या है किस अकन थ्यूरस नाइग्रोफ्यूस्कस क्या है इस नेम है साइंटिफिक नेम है किसका सर्जन फिश का और ये जो ह्यूज बैक्टेरियम है अपोलोपीशियम फ़िशल सोनी जिसका साइज कितना है 600 माइक्रोमीटर बाय 80 माइक्रोमीटर ये तकरीबन बराबर होता है प्रिंटेड हाइफन के साइज़ के और ये जो ह्यूज बैक्टेरियम इपोलोपिशियम फिशल सोनी है प्रेजेंट होता है इंटस्टाइन ऑफ ब्राउन सर्जन फिश और इस ब्राउन सर्जन फिश का साइंटिफिक नेम क्या है अक्यून थ्योरस नाइग्रोफिस्योरस नाइग्रोफ्यूसकस और इसके बाद ए, क्या है अगर हम बैक्टीरिया के शेप के हिसाब से अगर साइज की बात करें बैक्टीरिया के तीन बेसिक शेप्स होती हैं कौन कौन सी बैक्टीरिया अगर वो सर्कुलर फॉर्म में दायरवी शक्ल में इसे कोकाया कहते हैं अगर वो रॉड फॉर्म में रॉड फॉर्म में तो इसे हम बेसिलस कहते हैं और इसके अलावा ये कॉमा शेप में हो सकता है जिसे हम वो स्पायरोट्स वगैरह कहते हैं तो यानी बैक्टीरिया के तीन बेसिक शेप्स हैं कौन सी सर्कुलर जिसे कोकाय और रॉड शेप जिसके जो एंड्स होते हैं वो स्केयर एंड्स होते हैं जिसे हम बेसी लाइक कहते हैं और ये कॉमन लाइक भी हो सकते हैं और अगर हम बात करें इनके साइज़ की डिफरेंट शेप के हिसाब से साइज़ की अब बेसिलस बेसिलस की एग्जांपल कौन सा है ये शेप होती है किसकी बेसिलस की जिसके रॉड एंड्स जो होते हैं वो स्केरी एंड होते हैं और बेसिलस की एग्जाम्पल है एस कोलाई और एस कोलाई का साइज कितना है 1.1 माइक्रोमीटर से लेके 1.5 माइक्रोमीटर वाइड और इसके 2.0 से 6.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग यानी हम बात करें बेसिलस की बेसिलस क्या है ये रॉड लाइक बैक्टीरिया इनके जो एंड होते हैं सुकेरी एंड होते हैं और इसकी एग्जाम्पल कौन सी थी एस कोलाई एस कोलाई का साइज़ तकरीबन कितना होता है 1.1 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर वाइड यानी वाइड कितना है 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर और ये लॉन्ग कितना होता है 2.0 से 2 6.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग यानी जो बेसिलस है ये लॉन्ग कितना है टू से लेके कर सिक्स माइक्रो माइक्रोमीटर यानी इसकी लेंथ कितनी है टू से लेके सिक्स माइक्रोमीटर लॉन्ग और इसकी अगर वाइडनेस की बात की जाए तो ये वाइड कितना होता है वन पॉइंट वन से लेकर वन पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है और इसी तरह हम बात करते हैं इस कोकाए के साइज़ की तो यानी जो राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं उसकी एग्जांपल कौन सी है स्टेफिलो और स्ट्रेप्टो कोकाय इसका साइज तकरीबन होता है 0.75 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर यानी ये जो राउंड शेप हैं कोकाया बैक्टीरिया हैं कोकाया बैक्टीरिया में एग्जाम्पल है कोका है और स्टेप्टोकोका है इनका जो डायमीटर होता है इनका जो डायमीटर है वो कितना है 0.75 से लेके 1.25 माइक्रोमीटर और इसके अलावा जो स्पैरो हैं जो कॉमालईक होते हैं उनका जो साइज तकरीबन फाइव माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है ये था साइज ऑफ द बैक्टीरिया साइज ऑफ द बैक्टीरिया में हमने नॉर्मल रेंज पड़ी कितनी है पॉइंट वन माइक्रोमीटर से लेके सिक्स हंड्रेड माइक्रोमीटर तक होते हैं एक सिंगल डायमेंशन में स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज कितना है वन हंड्रेड से टू हंड्रेड नैनोमीटर इन डायमीटर जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज है वही साइज है लार्जेस्ट वायरस का स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया बिलोंग करता है जीनस माइक्रोप्लाज्मा से और लार्जेस्ट वायरस की एग्जाम्पल कौन सी है पॉक्स वायरस यानी माइक्रोप्लाज्मा और पॉक्स वायरस का साइज तकरीबन बराबर होता है कितना होता है ये वन से टू नैनोमीटर इन डाया होता है और जो ह्यूज बैक्टीरिया में लार्जेस्ट बैक्टेरियम में इसकी एक्जाम्पल पीशियम फिशल सोनी जो प्रेजेंट होती है इंटस्टाइन ऑफ द ब्राउन सर्जन फिश इसकी जो साइज़ है 600 माइक्रोमीटर से लेके बाय 600 माइक्रोमीटर बाय 80 माइक्रोमीटर और इसका साइज़ तकरीबन तो एक प्रिंटेड हाइफन के बराबर होता है और इसके अलावा हमने शेप के हिसाब से साइज़ की बात की शेप में जो बेसिलस होते हैं यानी ये बेसिलस के एक्जाम्पल जो रॉड शेप जिनके एंड स्केरी होते हैं उसकी एग्जाम्पल एस्टिरीशिया कोलाई इसका जो साइज़ है ये वाइडनेस इसकी कितनी हो सकती है वन से लेके वन पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर ये वाइडनेस कितनी वन से लेके कर वन पॉइंट फाइव माइक्रो हो सकती है और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन टू से लेके कर सिक्स माइक्रोमीटर इन लॉन्ग हो सकते हैं और इसी तरह जो कोकाए होते हैं जो राउंड शेप होते हैं सर्कल शेप होते हैं उनका जो साइज होता है वो पॉइंट सेवन फाइव से ले कर वन पॉइंट टू फाइव माइक्रोमीटर इन डाया मीटर होते हैं और इसी तरह जो कॉमा शेप्स होते हैं उसकी एग्जाम्पल कौन सी स्पायरोट्स उनका जो साइज़ होता है वो फाइव हंड्रेड माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है और ये जो शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया हैं इनको हम अपनी कमिंग वीडियोज़ में इनशाला बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही स्टे स्टेबलास्ट स्टे यून सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़